दोस्तों, शाहरुख खान की पेंथर मूवी पर प्रकाश राज का बहुत बड़ा बयान आया है। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राज कहते हैं, शाहरुख खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के बेताज बादशाह हैं और एक टाइम था जब बॉलीवुड की नैया डूब रही थी। उस वक्त शाहरुख खान ही थे जिन्होंने पठान बनाकर बॉलीवुड को दोबारा से जिंदा किया था। उसके बाद डायरेक्टर एटली कुमार के साथ जवान रिलीज करके एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया था। और अब लोकेश कनगराज जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ मिलकर अगर पेंथर रिलीज कर रहे हैं तो इसका मतलब अब पठान और जवान दोनों का रिकॉर्ड तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है। और लोकेश कनगराज बहुत अच्छे डायरेक्टर है और उनकी एक्शन मूवीज पूरी दुनिया में काफी पसंद की जाती है, और अगर साथ में शाहरुख खान आ गए तो सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे। दोस्तों, बताया जा रहा है कि पेंथर की बजट 400 करोड़ है और इसमें बहुत ही बड़े बड़े एक्शन और जंगल बेस कहानी को दर्शाया जाने वाला है, और इसमें शाहरुख खान को विक्रम राठौर वाले अवतार में दिखाया जाएगा और हर किसी को डंकी के बाद पेंथर का ही इंतजार है। दोस्तों, शाहरुख खान इंडिया के पहले एक्टर हैं जिन्होंने एक साल में 2500 करोड़ का कलेक्शन किया है, और ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड माना जा रहा है जो कि आज तक किसी ने नहीं बनाया था। शाहरुख खान ने जो कहानी पठान से शुरू की थी वो डंकी के साथ समाप्त हो गई है, और शाहरुख खान ने जो बोला था वो सब कुछ करके दिखाया है। और जो पठान के टाइम शाहरुख खान की बुराई कर रहे थे उनके मुंह पर शाहरुख ने कमाचा मारा है और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर ये प्रूफ किया है कि शाहरुख से बड़ा कोई दूसरा एक्टर नहीं है। और अब शाहरुख खान डायरेक्टर एटली कुमार के बाद लोकेश कनगराज के साथ मिलकर पेंथर मूवी बना रहे हैं जो कि आने वाले समय में और भी बड़े बड़े रिकॉर्ड क्रिएट करेगी जिसको कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। शाहरुख खान पूरी दुनिया के बादशाह है और उन्होंने जो मूवीज बनाई है वो लोग आज भी देखना पसंद करते हैं, और अब पेंथर भी एक्शन के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। दोस्तों, प्रकाश राज की बातों से आप कितना सहमत हो और क्या लगता है आपको, पेंथर कितने करोड़ की कलेक्शन कर सकती है? अपनी राय कमेंट में लाजमी लिखना, और अगर पेंथर मूवी के बारे में सारी अपडेट्स देखना चाहते हो तो हमारे चैनल FFU को सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद।